परम पूज्य और साहिब जी, उत्तर प्रदेश से पूज्यवर श्री स्वामी जी, अर्चनीवंदनी सन समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं माताओं, मासिक सत्संग दिसंबर माह से शुरुआत हुई है और आप सब से लगातार आप सब आते रहे। मौसम खराब की वजह से इस बार सबसे ज्यादा लोग हैं। मनुष्य जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। आदमी हर उद्देश्य की पूर्ति करता है। गाड़ी चाहिए गाड़ी खरीदता है, मकान चाहिए मकान बनाता है, परिवार चाहिए परिवार बढ़ाता है, घर में कुर्सी टेबल नहीं है कुर्सी टेबल खरीदता है, और जो कुछ करना होता है डिमांड के अनुसार और परिस्थिति के हिसाब से जीवन को बदलता जाता है, नए निर्माण करता जाता है। क्या ऐसी कोई जगह है, ऐसा कोई केंद्र है, ऐसा कोई स्थान है जहां पर शांति रूपी धन भी मिलता हो, जहां पर प्रेम रूपी धन भी मिलता हो, जहां बिकता हो बाजारों में, और कोई आदमी लाखों और करोड़ों की संपत्ति अपना दांव पर लगा करके उस जगह से प्रेम संपत्ति समर्पण त्याग धन आत्मधन ये चीज खरीद सके, ऐसा कोई चीज कोई जगह नहीं है। इसके लिए खुद को गलाना पड़ता है। जब तक हम अपने मेहनत नहीं करेंगे, आत्मसमर्पित नहीं होंगे और जब तक मन को नहीं शोधेंगे, तब तक हम विकास नहीं कर सकते हैं। बाहरी विकास तो काफी होता है। बाहरी विकास में कोई कोई लोग होते हैं जो पिछड़ते हैं, और पिछड़ने वाले कोई कोई होते हैं जिसको कहना चाहिए प्राकृतिक आपदा के वजह से होता है, और बाकी पिछड़ने वाले में तो अधिकतम अपनी ही गलती से होता है। कोई शराबी हो गए, कोई गंजेड़ी हो गए, कोई जुआ में, कोई और कुछ में जीवन को बर्बाद कर देते हैं। हम सब भी अपने जीवन को बाहरी रूप से तो बर्बाद नहीं करते हैं, लेकिन कभी अपने आप से पूछते हैं ना तो लगता है हमको जो विकास करना चाहिए था जीवन में वो विकास हमने नहीं किया है, बहुत कुछ पीछे है। जो प्रेम होना चाहिए था वो प्रेम नहीं है, जो चेहरे पे मुस्कुराहट रहना चाहिए था वो चेहरे में मुस्कुराहट नहीं है, जो भाई के साथ पड़ोसी के साथ देरान के साथ जेठान के साथ गुरु के साथ शिष्य के साथ जो प्रेम और समर्पण होना चाहिए था वो देखते हैं लौट करके तो लगता है नहीं, बहुत कुछ पीछे चले गए। विकास तो किए हैं, हमारे पास मकान अच्छे नहीं थे मकान बन गए, गाड़ियां नहीं थी गाड़ियां आ गई, बिल्डिंग थोड़ा सिंपल था अच्छे अच्छे मार्बल लग गए, टाइल्स लग गए, बड़े दुकान हो गए, खेत बढ़ गए, विकास तो किए। क्या इन बाहरी विकास से भी आत्म शांति मिलती है? और यदि इस बाहरी विकास से शांति मिलती तो आदमी दुखी नहीं होता। बाहरी विकास जरूरी है लेकिन उससे कहीं ज्यादा आंतरिक विकास जरूरी है, और इसीलिए अध्यात्म की जरूरत है। इसीलिए मेन केंद्र में अध्यात्म होना चाहिए। आज धर्म की परिभाषा बदल गया है, धर्म मेन केंद्र में नहीं है। धर्म आदमी को आज भटकाता है लेकिन अध्यात्म नहीं भटकाता है। धर्म और अध्यात्म में अंतर इतना रह जाता है, धर्म किसी बाहर आडंबर पर ले जाता है, धर्म किसी अलौकिक ईश्वर और परमात्मा को बताता है लेकिन अध्यात्म नहीं बताता है। जितने धार्मिक स्थान है वहां बाहरी अलौकिक ईश्वर परमात्मा देवी देवता अपने से हट करके अलग मानता है लेकिन अध्यात्म ये नहीं मानता। अध्यात्म अध्यात्म का मतलब ही होता है खुद को अध्ययन करना, और इसीलिए जरूरत है ध्यान की, जरूरत है ध्यान की जरूरत है, इसीलिए इसीलिए चिंतन की जरूरत है, इसीलिए अनुसंधान की जरूरत है।
इसलिए अकेले में बैठने की जरूरत है। जब हमारे शरीर में पीड़ा होगी, जब हमारे शरीर में पीड़ा होगी, हमको दिक्कतें होगी, हमारे कितने भी घनिष्ठ कहे जाने वाले ना भाई काम आएंगे, ना आपके पति, ना आपकी पत्नी, ना आपके बच्चे, ना आपके बेटे, ना आपके माँ बाप कोई काम नहीं आएंगे। जब शरीर में पीड़ा होगी तो आपको ही उन पीड़ाओं को झेलना होगा। और यदि आपने साधना नहीं किया है, जीवन में प्रगति नहीं की है, बाहरी प्रगति बस की है, और जीवन में जो आप विकास करना चाहिए थे विकास नहीं कर पाए ना, उन पीड़ाओं में आपको इतना पीड़ा होगा, छोटी पीड़ा को आपके लिए पहाड़ जैसे महसूस होगा। परम पूज्य गुरुदेव सदगुरु श्री अविलास साहब जी को साटिका हुआ था, साटिका हुआ था। उस साल वो छत्तीसगढ़ में थे, लेकिन साटिका के दौरान एक घंटा प्रवचन करते थे, किसी को एहसास नहीं होता था कि इस व्यक्ति साटिका के दर्द से पीड़ित होगा, किसी को एहसास नहीं होता था, क्योंकि शरीर की पीड़ा से उनको ज्यादा दिक्कतें नहीं थी। मन की अगर स्थिति ठीक है तो शरीर की पीड़ा आदमी संभाल लेता है, और मन की स्थिति ठीक नहीं है तो स्वस्थ लोग भी मर जाते हैं, नहीं बच पाते हैं। जिसे हम स्वस्थ कहते हैं, शरीर से स्वस्थ है, कोई छत से कूद के मरता है, कोई नहर में कूद करके मरता है। आज अभी एक व्यक्ति का मैसेज आया है, थाना खरोरम रहता है वो, मेरे पास मैसेज आया है, एक आदमी नहर से बहते हुए अब भी निकाले हैं, कुछ देर पहले लाश बहते हुए आया है, करीब करीब उसको उम्र 35 से 40 साल का होगा, लाश बहते आदमी स्वस्थ दिख रहा है 35-40 साल का। जब माइंड की स्थिति ठीक नहीं रहती है तो यही होता है आदमी, मन को काबू में करिए। इसलिए एकांत में बैठने की बहुत जरूरत है। हम सबसे हट जाए कभी, अभी कल मैं ध्यान शिविर में परसों गया था नवापारा यहाँ से, तो अंतिम में ध्यान साधकों का कुछ विचार रहा था, कुछ लोग कहे मोबाइल जमा करा दिए थे, तो कुछ लगा कि हम भी बिना मोबाइल के, बिना संसार के झंझट से हट करके हम अकेले जी सकते हैं, एहसास हुआ है। हम हमेशा संसारिकता में पड़े रहते हैं। संसारिकता का मतलब परिवार ही सांसारिकता नहीं है, ये जो मानवीय पदार्थ है सांसारिकता है, गाड़ी है, मोबाइल है, कैमरा है, ये सारी चीज तो सांसारिकता है, इसी में हम पड़े रहते हैं। कभी बैठ करके आत्मचिंतन करें, और आत्मचिंतन नहीं करते इसलिए हमारे अपने ही दोष हमको समझ में नहीं आता है, और अपने ही दोष समझ में नहीं आता है इसलिए हम अपने लोगों से वैर करते चले जाते हैं, और अपने ही लोगों से दूर हटते चले जाते हैं। अपने ही बच्चे प्रिय नहीं लगते हैं, अपने ही माँ बाप प्रिय नहीं लगते हैं, अपने ही लोगों से हमारी दूरत्व बढ़ते चली जाती है, अपने ही साथी, अपने ही गुरु, अपने ही शिष्य, अपने ही गुरु भाइयों के बीच में दरार पैदा होता चला जाता है, क्योंकि आत्मचिंतन नहीं करते हैं। सिर्फ एक प्रगाढ़ता होती है परिवार के प्रति, आदमी के प्रति प्रगाढ़ता होती है, आत्मा के प्रति नहीं। धन के प्रति प्रगाढ़ता होती है, मकान के प्रति प्रगाढ़ता होती है, गाड़ी घोड़े धन दौलत के प्रति प्रगाढ़ता होती है, आदमी के प्रति, जीवन के प्रति, आत्मा के प्रति प्रेम नहीं है, उसको एक किनारे कर दिया जाता है, धन को महत्व दिया जाता है। इसलिए ध्यान का महत्व है। यदि आत्मचिंतन नहीं करेंगे तो जीवन को नहीं बदल सकते हैं। कितना भी सत्संग कर ले, कितना भी पूजा और पाठ कर ले, आत्मचिंतन नहीं किए न कपड़ा काम आएगा, न घर परिवार काम आएगा, न आश्रम काम आएगा, न बीबी, न बच्चे, न पत्नी, न नाती, न पोता, न माँ बाप कोई काम नहीं आएंगे। आत्मचिंतन नहीं किए और अकेले में बैठ करके जीवन को शोधने का काम नहीं किए तो हम अंतिम में पश्चाताप करके मरेंगे। कहाँ रहते हैं इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, पश्चाताप करते मरेंगे। ज्ञान तो होगा, ज्ञान तो होगा, विद्वान तो होंगे, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होगा, और आत्मज्ञान के बिना आदमी दर दर भटकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पानी में मीन प्यासी मोहि शून्य शून्य आवत वासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके जैसे मथुरा कोई काशी। पानी में रह करके मछली प्यासी हो तो कितनी हंसी की बात है, आदमी भी ऐसा ही है। उनको स्वस्थ शरीर मिला है, स्वस्थ जीवन मिला है, स्वस्थ विचार करने की शक्ति मिली है, लेकिन आत्मचिंतन नहीं करते हम।
मायावी पदार्थों में अपने को बटोर लेते हैं, मायावी पदार्थों में अपने को बांध लेते हैं, जकड़ जाते हैं, उसमें जीवन को हम घसीटते चले जाते हैं। विकास करें, आत्मचिंतन करें। एक व्यक्ति घर से निकलता है और घर से निकलते निकलते एक आश्रम हुआ। आश्रम से आते ही आश्रम में एक संत मिले, उनसे कहे आश्रम, उन संत जी उनको घुमाना शुरू करते हैं। आश्रम का परिसर, आश्रम परिसर पूरा बताते हैं। जैसे आते हैं और एग्जाम्पल के रूप में यहाँ आ जाते हैं, आते हैं एक संत यहाँ घुमाते हैं, ये बताते हैं ये पुराना मकान है, ये नया बना हुआ है, ऊपर संतों का निवास होता है, बगल में किचन है, ये सारे चीज बताते जाते हैं। वो आदमी जैसे अंदर घुसता है, मेन गेट में देखता है सामने बड़ा सा हॉल है, उनका ध्यान वहां जाता है, थोड़ा दूर घूमता है, व्यक्ति पूछता है वो क्या है, वहां क्या करते हैं। वो महात्मा कहते हैं चलो और घुमा देता हूँ। वो आदमी फिर घुमाता है, एक बड़ा सा आश्रम है, दृश्य देख लिए आप। और वो आश्रम में जैसे प्रवेश करते हैं तो एक साइड किचन है, एक साइड ऑफिस है, एक साइड पुस्तकालय है, एक साइड की एक साइड स्नान बाथरूम वगैरह है, सब कुछ घुमाते हैं, एक साइड स्नान रहने का निवास है, कमरे है, सब कुछ घुमाते हैं, एक बीच में बड़ा सा हाल है। व्यक्ति पूछ पड़ता है यहाँ क्या करते हैं, कहते हैं इसमें कुछ नहीं करते हैं। वो संत कहते हैं इसमें कुछ नहीं करते हैं, एक बड़ा सा हाल है, करीब करीब 5000 स्क्वायर फीट का हाल बना हुआ है, कहते हैं कुछ नहीं करते हैं। वो आदमी फिर घूमता है, अपना बगीचा दिखाते हैं, अपना बाड़ी दिखाते हैं, वो आदमी फिर घुमाते हैं, फिर पूछते हैं इसमें क्या करते हैं। वो महात्मा कहते हैं इसमें कुछ नहीं करते हैं। वो आदमी फिर आगे बढ़ता है, अंतिम में उस हाल में उस व्यक्ति को ले जाता है और हाल में एकदम साइलेंट, हाल में कोई आवाज नहीं, एकदम रिलैक्स महसूस करते हैं। वहां जाने पर ही अंधेरा सा हाल, वहां जाने पर ही महापुरुषों का फोटो लगा हुआ है और फिर पुनः पूछते हैं यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या करते हैं। संत से फिर पूछते हैं वो व्यक्ति, संत से फिर पूछते हैं व्यक्ति, संत कहते हैं यहाँ कुछ नहीं करते हैं, ये इतनी बड़ी उपाधि है, कुछ ना करना। ध्यान करना ध्यान नहीं है, ध्यान करना ध्यान नहीं है, पुस्तक पढ़ना ध्यान नहीं है, कुछ ना करना ये जीवन का अंतिम स्टेप स्टेज होता है। जब आदमी मरण शैया में हो, ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, कैंसर डायबिटीज बढ़ गया हो, उनका किडनी खराब हो गया हो, कई सारी बीमारियों से जूझ रहा हो, तब डॉक्टर क्या कहते हैं इनकी अंतिम स्थिति क्या करना पड़ेगा, इसको आईसीयू में रखना पड़ेगा और वहां आदमी को प्राण फूंका जाता है। जिस आदमी के अंदर प्राण टिकने की संभावना नहीं है उसको डॉक्टर ऑक्सीजन दे करके और किसी भांति से हर चीज का डोज दे करके उसको जिंदा रखता है। और वहां से कोई आदमी संभल करके आता है तो उसमें 90-100% में 10-15% लोग आईसीयू से बाहर आता है, बाकी 80-85% लोग वही दम तोड़ देते हैं। ये ध्यान एक ऐसा केंद्र है, जो आदमी इस स्टेज तक पहुंच जाता है और ध्यान में पहुंच जाता है उसमें कोई 1-2% व्यक्ति होगा, उसमें 10-15% है ना, इसमें कोई 1-2% व्यक्ति होगा विश्व में, जहां 135 करोड़ के आबादी में 1-2% कहना चाहिए जो लोग होंगे जो जीवन के महत्व और ध्यान और अमरता को प्राप्त होते होंगे। बाकी हम सब तो जीवन को घसीटते हैं, बहुत अच्छी स्थिति में जीवन को नहीं ले जा सकते, बहुत सुंदर जीवन का निर्माण नहीं कर सकते, तो कम से कम एक सहज जीवन तो जिए, एक मर्यादित जीवन तो जिए, एक प्रेम और आनंद का जीवन तो जिए, इसके लिए तो सब लोग कर सकते हैं। अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग एक घर में एक नए माहौल तैयार कर सकते हैं, जहां घर में चलबलाहट होती थी। आप देखे होंगे जब
काले बादल छाता है तो काले बादल छाता है तो पूरे काले ही काले बादल दिखाई देते हैं, कहीं कहीं वहां पर भी सफेद परछाई होती है। जब रेगिस्तान में चलते हैं तो रेगिस्तान में रेत ही रेत दिखाई देता है, वहां भी कहीं कहीं आपको कटीले झाड़ मिलेंगे। जहां आप गर्मी के दिन में गए हों तो रेगिस्तान में लौ तप रही है रेत की और रेत ही रेत दिखाई दे रहा है, वहां पर भी कहीं कहीं आपको झाड़ मिलेंगे जहां बैठ करके हल्की सी छाया में आप सुकून महसूस करते हैं। जब आप समुद्र में चलते हैं तो समुद्र में कहीं कभी पानी आप उठाइए तो समुद्र में खारे ही खारे पानी मिलेंगे, लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे समुद्र में जहां से पानी आने का स्रोत होता है वहां पर आपको मीठा पानी मिलता है। इसका कहने का मतलब क्या है? जिसे हम दुख भरी कहानी कहते हैं, जिसे हम उलझन भरे जीवन कहते हैं, जिसमें तेरे मेरे और दुनियादारी की लड़ाई है, इसमें भी कहीं कहीं सुख का स्रोत है, कहीं कहीं प्रेम का आनंद है, कहीं कहीं जीवन में मुस्कुराहट है, कहीं कहीं जीवन में खुशहाली है। इसी दुनिया में कुछ लोग होते हैं बड़े बड़े उलझने आने के बाद भी चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं होती है, झुंझलाती नहीं है। 10 साल 20 30 40 60 70 80 साल हो जाते हैं जीवन बीतते बीतते, लेकिन झुंझलाहट नहीं होती है, आनंद की जिंदगी जीते हैं। वही लोग सफल व्यक्ति हैं। वो बहुत कमाया नहीं कमाया वो अलग चीज है, कितना धन कमाया, कितने बड़े लोग उनके साथ जुड़े हैं, कितने परिवार हैं, कितने भीड़ होती है, वो अलग चीज है, लेकिन वो आदमी के चेहरे में झुंझलाहट नहीं है, चेहरे में मुस्कुराहट है, वो आदमी की कमाई है। और कुछ लोग जीवन बीत जाता है 70 साल 80 साल 90 साल, अंतिम मरण अवस्था आ जाती है, जीवन को नहीं समझ पाते हैं। सत्संग भी करते हैं, साधना भी करते हैं, बड़े बड़े जगह हम जाते हैं, लेकिन चेहरे में उदासीपन, चेहरा उखड़ा उखड़ा, चेहरे में मुस्कुराहट नहीं, झुंझलाए झुंझलाए जीवन, जीवन की रौनक तक खत्म हो जाती है, हमारी सारी कमाई बेकार चली जाती है। इसी से पता चलता है कि हमारी साधना कितनी है, इसी से पता चलता है कि हम कितना विकास किए हैं। ये बाहरी विकास से हमारी विकास नहीं है, ये मैं और भी कह चुका हूँ, ये बाहरी विकास से यदि हमारी प्रसन्नता हमारी प्रशंसा होती है तो ये मकान का विकास है, गाड़ी है तो गाड़ी का विकास है, बोलने की शक्ति है तो वाक्य शक्ति का विकास है, अच्छे माइक है तो माइक का विकास है, पद है तो पद का विकास है, हमारी विकास नहीं है, क्योंकि इसके हटने पर हमारी प्रशंसा खत्म हो जाती है, मतलब उसका विकास था। गांव का सरपंच बने हैं, वाह वाह हो रहा है, जैसे ही सरपंच पद हटते हैं हमारी प्रशंसा खत्म हो जाती है, सरपंच पद का विकास था, हमारा विकास नहीं है। हमारा विकास ही वो जो निरंतर बना रहा है, निरंतर बना रहा है, क्या इसके लिए हम कुछ करते हैं? ये बहुत गूढ़ चीज है, बहुत बड़ी साधना है जीवन की। जीवन को हम घसीट देते हैं, जीवन को हम बर्बाद कर देते हैं। जीवन इतना बेशकीमती है, जिसको पाने के लिए बहुत तपस्या नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, विद्वता नहीं चाहिए, इसके लिए आत्मशोधन चाहिए। आत्मशोधन के बिना विकास नहीं कर सकते। विकास करे जीवन का, हम जिन लोगों के बीच में रहे वो लोग महसूस करें ये वास्तव में मेरे दादा है, मेरे पिता है, मेरे पितामा है, मेरे भाई है, मेरे पड़ोसी है, इस व्यक्ति के अंदर इंसानियत भरी हुई है। जब देखो तब चेहरे में मुस्कुराहट रहती है, झुंझलाता नहीं है व्यक्ति, कभी गलतियां हो जाती है तो प्रेम से समझाते हैं, ये संत से बढ़कर के व्यक्ति है, ये अपने अंदर तजुर्बा हम हासिल करें तब हमारा सफल जीवन है, तब हम विकास कर रहे हैं। बाहरी विकास तो बहुत लोग कर लेते हैं, बिजनेसमैन करोड़ों की संपत्ति रखते हैं, हम लोग पास तो कुछ नहीं है, करोड़ का नाम ही नहीं है, क्या विकास है फिर? ये बाहरी विकास से नहीं, आंतरिक विकास। और सबसे बड़ी विकास है मन की प्रसन्नता, चेहरे की प्रसन्नता, वाणी का मिठास, और चेहरे में प्रसन्नता बनी रहे, जीवन की झुंझलाहट, जीवन की उलझन खत्म हो जाए, जीवन से विदा हो जाए, इन चीजों की विदागिरी हो जाए,
तब हमारा आत्मचिंतन करना, ध्यान करना, सत्संग करना, जीवन जीना सफल जीवन है। इसलिए हम अपने जीवन को, जीवन का ग्रोथ करते जाए, विकास करते जाए, जीवन को हम डेवलप करते जाए, परिस्थिति के हिसाब से बदलते जाए हम जीवन को, और यही जीवन की सफलता है। और ये सब काम सब लोग कर सकते हैं। आगे पूज्य गुरुजन विराजमान है, अब विचार रखने के लिए परम पूज्य और साहिब जी से करवद्ध प्रार्थना है कि अपने कल्याणकारी विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सतगुरु देव की जय। गुरु भक्ति है मन दुख हर, यही हेतु मैं भक्ति करूं। दय दान व गुरु बुद्धि श्रद्धा, सत प्रेम दे माने हरों। साहस सहन अरुनेम दो, नहीं देह सुख आसादरों। पद बंदी बिनवों जोरी कर, गुरु काज यह पूरा करो। पद बंदी बिनवों जोरी कर, गुरु काज यह पूरा करो। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः, गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय। परम पूज्य श्री रतन साहेब जी एवं वंदनीय संत समाज उपस्थित निर्चिर विवेकी बंधुओं, श्रद्धामती देवियों, जीवन मिला अपने दिल की बात आज मैं आप सबके बीच में रखने जा रहा हूं। जीवन मिला शिशुपन बालकपन किशोरावस्था निकल गया, जवानी आई, गुरु के शरण प्राप्त हुआ, संत समाज मिला, एक बार जन्म हुआ शिशुपन बालकपन किशोरावस्था एक एक बार मिला, जवानी भी निकल गई। अब जो पार कर चुका हूं उन अवस्थाओं को फिर से प्राप्त करना चाहूं, दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। जीवन में गुरु और संत दुर्लभ जो साज है इस जीवन में मिला,
और गुरु के कृपा से आत्म अनुभव भी हुआ, आत्म तत्व की जानकारी और बंधन के कारण सब समझने को मिला। अब जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वह सब भी गुरु की कृपा से जानकारी मिलती गई। और गुरु के आशीर्वाद से, उनके निर्देश अनुसार जो करना था वह भी जीवन में अपने कर्तव्य को पूरा किया, कोई कमी महसूस नहीं होता है। जो करना था पूरा कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं है। जैसे कहा जाता है कि आवागवा खर्च साधु के मामला फर्ज, जो कुछ मुझे मिला समाज से आप सबके बीच पूरा सारा हिसाब सामने प्रस्तुत है, बताने की आवश्यकता नहीं। न जमा है न उधारी है। अब इस जीवन में कितना शेष जीवन बाकी है कहा नहीं जा सकता, लेकिन कोई भरोसा नहीं कल का दिन आए कि ना आए। समय भी पूरा हो गया है, संध्या हो गया, उम्र भी 72 हो चुका है। अब आगे क्या भरोसा, जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। काया और माया तेरे साथ नहीं जाएगी, कब मौत आ जाए कोई पता नहीं। इसलिए आज जीवन है अथवा आज ही चला जाए इसके मुझे चिंता नहीं है। सब काम पूरा समाज के बीच में सारा हिसाब किताब पूरा, न जीने की चाहना न मरने की सोच, धन जन प्राणी से कहूं न मन को रोच, न ही जीने की इच्छा है न मरने की चाहना है। न धन जन प्राणी से मन में कहूं रोच, किसी से कोई आसक्ति भी नहीं है, उसके बिना मेरा कैसे चलेगा। कोई आसक्ति नहीं, जब तक जीवन है तब तक के लिए प्रारब्ध है,
पूरा है। रोटी धोती छाया जब तक जीवन रहेगा उसके लिए प्राप्त है, कम नहीं है, उसके भी चिंता नहीं। धन कहां से आए चिंता नहीं, आ रहा है, मिल रहा है और खर्च भी हो रहा है, आगे की कोई जो कुछ होना है होता रहेगा। इसलिए जन्म हुआ 19 वर्ष तक परिवार के बीच में बिताया, गुरु के शरण में आया, सन 69 में और 69 से 90 तक दर्रा आश्रम में सेवा का मौका मिला। वहां के बाद नया पारा 90 में शुरू हुआ, वहां भी कुछ दिन जो बन सका अपना कर्तव्य के पालन करता रहा। 2002 में यहां आया, यहां भी जितना मुझे करना था कहीं ज्यादा ही हुआ, कम नहीं। यहां जो कुछ भी चल अचल संपत्ति है दीवाल में लिखा हुआ है, वह भी छिपा हुआ नहीं है। और जीवन में आज तक किसी के प्रति मेरे मन में कोई शिकवा शिकायत भी नहीं है, न संतों के प्रति, न भक्तों के प्रति, न कोई पड़ोसी के प्रति। सबसे इस जीवन में भरपूर रक्षा मिलता रहा, तन से, मन से, धन से भरपूर मिला। जैसे माता के द्वारा शरीर की रक्षा होता है, उसी प्रकार के समाज के द्वारा सब कुछ मिलता रहा। इस प्रकार से अगला हो सकता है सत्संग का समय सितंबर में 1 तारीख को है, तब तक काया रहे कि ना रहे क्या पता। अगले महीना में सत्संग के लिए संत श्री गुरुभूषण साहेब, संत श्री गुरुभूषण साहेब 25 तारीख को आ जाएंगे, 25 अगस्त को, और 14 अगस्त और 14-15 अगस्त सितंबर तक रहेंगे। 15 सितंबर तक यहां रहेंगे। जैसे अभी साहेब जी का सत्संग उनके आशीर्वाद से 8 दिन तो चलना ही है, और भक्त लोग चाहें तो साहेब जी के
अगला कार्यक्रम कोई तय नहीं है और भगवान भगत के बस में कहा भी जाता है। अभी एक सप्ताह तक साहेब जी का यहाँ सत्संग से लाभ अभी जो चल रहा है मासिक सत्संग के अनुसार है, लेकिन कल से 3:30 बजे से शुरू होगा सामूहिक सत्संग है। वैसे सुबह और रात्रि में भी होता है सत्संग, भजन, ध्यान भी। तो ये मनुष्य शरीर मिला है तो मनुष्य शरीर मिल करके केवल हमारा उद्देश्य रोटी धोती छाया ही नहीं है। रोटी धोती छाया तो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी पशु पक्षी भी प्राप्त कर लेता है। ये मनुष्य शरीर पाप मिला है केवल रोटी धोती छाया के लिए नहीं मिला है। ये तो गुरुदेव श्री अभिलाष साहेब ने कहा है, ये तो घलवे का चीज है। घलवे कहते हैं पुरौनी को। जैसे 1 किलो परवर खरीदा गया, खरीदने के पश्चात बेचने वाले से कहा जाता है 2 डारा धनिया दे देना, 2 ठो मिर्चा दे दे, तो उसका पैसा देना नहीं पड़ता है, उसे घलवे कहा जाता है। पुरौने के बाद उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर मिला है। कर्म यदि हमारा अच्छा है तो रोटी धोती छाया के लिए, खेती नौकरी व्यापार साधु के लिए आवश्यक नहीं है। खेती रोटी धोती और छाया है, मिला है, मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। यदि हमारा कर्म अच्छा है तो, कर्म हमारा अच्छा है तभी सब कुछ मिल रहा है। सारी विभूति जो प्राप्त आपके सामने में है वो हमारा कर्म के द्वारा ही है। आप सब दे रहे हैं और जो मुझे मिल रहा है और आप सबको भी मिल रहा है। आप सबको जो रोटी आज मिलेगी वो आप सबके प्रारब्ध में मिलेगी। कोई ला करके दिए हैं, कोई नहीं दिए हैं, तो भी सबको खाने को मिलेगा। जो मिलता है उसे प्रारब्ध कहा जाता है। उसी प्रकार से मुझे जो कुछ मिला था समाज के बीच में लौटाते चले गया, लौटाते चले गया, लौटा दिया जो कुछ मिला है। मेरे पास कुछ जमा 2 रुपया भी नहीं है। जो कुछ बैंक में है हमारे साथी को मालूम है, साथी ही नहीं हमारे जो साथी दुकानदार शरण है, कितना रुपया है मेरे बैंक में और कितना खर्चा है, कितना जमा है, कितना उधारी है, सब कुछ उसे पता है। 2 रुपया भी छिपेगा नहीं, ना मैं कहूंगा कि इतना रुपया कहाँ है तो वो भी नहीं छिप सकता है। तो सब कुछ हिसाब किताब बराबर है। तो मेरे प्रारब्ध में जो कुछ प्राप्त है, सुख समृद्धि है,
इसे मुझे घलवेग से प्राप्त हो रहा है पुरौनी में। मेरा उद्देश्य है इस जीवन को जैसे पूज्य श्री साहेब जी आए हैं। ये साहेब जी कौन है आप लोग जानते हैं? आप लोग कहेंगे नाम से कहेंगे, फिर आगे कहेंगे कि स्वामी जी हैं। नहीं नहीं, आप लोग नहीं जान पा रहे हैं, इस साहेब जी जो बैठे हैं वास्तव में कड़ीहार हैं, संसार सागर से भवतारक हैं, पार करने वाले हैं, गहरी नदी को खे करके पार करने वाले नाविक हैं। और इनके सहारा यदि हम लेते हैं दलदल पांचों विषय से ऊपर उठा करके आत्म अनुभव कराने वाले हैं, ऐसे तत्व वेत्ता महापुरुष हैं, ऐसे के सहारा हम सबको प्राप्त है। आप सबको जो प्राप्त है आज, आप सबके प्रारब्ध से, आप लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ा। भक्तवर विशोभा ने आश्रम का निर्माण, उन्होंने कहता था एक पेड़ लगा देता हूं, बरगद का पेड़ लगा देता हूं, एक छाता खूटी झोला टांगने के लिए बना देता हूं। बना दिया, धर्म का ध्वजा गाड़ दिया, अब ये सुरक्षित मजबूत बन गया। अब इसमें पता नहीं कहां कहां से भौरे आकर के गुंजार कर रहे हैं, फूल खिलता है, भक्त भौरे आते हैं और आनंद का अनुभव लेता है। जो आनंद मुझे इस आश्रम में प्राप्त है, जो सुख शांति आश्रम में प्राप्त है, वह कहीं नहीं मिल सकता है। चाहे कहीं पर भी मैं रह करके, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन यहां भरा हुआ है, पूरा चारों तरफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से कोई कमी नहीं है, कार्बन नाम के कोई जगह ही नहीं है खोजने पर भी। ऐसे जगह अनुकूल मुझे मिला है, लोग कहेंगे आपने तो किया है, मैं नहीं, आप सबके कृपा है, बनाते गया बनाते गया इस योग के बनते चले गया। तो ऐसे संतों का आगमन हो रहा है। अभी इस महीना में पूज्य श्री साहेब जी का सानिध्य लाभ मिल रहा है, हो सकता है कितने लंबे समय तक, हो सकता है हमारे अंतिम क्षण तक आपका दर्शन और सत्संग का लाभ मिलता रहे। अगले महीना में संत श्री गुरुभूषण साहेब का भी आगमन है, 20 दिन यहाँ निवास होगा उनका भी, और उनको भी जो भी ले जाना चाहेंगे बीच बीच में उनका भी पूरा समय रहेगा। 1 तारीख से 6 तारीख तक यहाँ अस्थाई सत्संग उनका भी होगा, उसके बाद जो भी ले जाना चाहे यहाँ पर हमारे साथी से लिखवा सकते हैं। अभी भी साहेब जी का कोई चाहेंगे अपने आसपास के गांव वाले, वो भी अपना सेवा कर सकते हैं, और यहाँ तो जगह है ही सेवा और सत्संग के लिए। सब आए हैं, रोटी सबको मिलेगा, छाया सबको मिलेगा, सत्संग सबको मिलेगा। इस प्रकार से जो जीवन मिला है, जीवन मिल करके जो हमें करना था, मानुष शरीर मिला है तो क्यों मिला है? कल्याण करने के लिए। मानुष तम तुमको मिला कल्याण करने के लिए, केवल कल्याण प्राप्त करने के लिए मिला है।
ये शब्द तो जो बन रहा है आप सब दे रहे हैं उसका खर्च किया जा रहा है, जमा ना करके खर्च हो रहा अतिरिक्त जमा भी नहीं केवल खर्च। तो इस प्रकार से हमारा ये सब होना कोई अनिवार्य नहीं है। तो इस प्रकार से मैं अपने कर्तव्य का जो करना था वह कर दिया, बाकी कुछ भी बाकी नहीं है। न मरने की चाहना न छूटने की सोच, धनजन प्राणी से कहो न मन को रोच। न मरने की इच्छा है न जीने की चाहना है, न धन जन प्राणी कहीं मेरे मन में रंच मात्र भी आसक्ति नहीं है। अमुक के बिना मेरा कैसे चलेगा, अमुक के बिना कैसे चलेगा, कुछ भी जरूरत नहीं है। प्रारब्ध है तब तक रोटी धोती जो मिलना है मिल रहा है मिलेगा, चिंता नहीं। और जो कुछ भी मेरे साथी सहयोगी है उसका भी सबके लिए रोटी धोती छाया मिला है और उसको भी मिलेगा। यह रास्ता में यदि डगमगाए हम ना तो डगमग छाड़ दे मन बौरा, अब तो जरे बरे बने आवे लिन्ने हाथ सिंधौरा। डगमग छाड़ दे मन बौरा, हे मन बौरा डगमगाना छोड़ दे, ये अवसर मिला है केवल सती के समान। चीता तैयार है बस चीता में जल जाना है। चीता को मत देखो आग के लपट को, बस डगमगाना छोड़ करके अपने कल्याण के लिए समर्पित होकर के निरंतर आगे बढ़े। तो मेरा जो कर्तव्य था अभी तक का, सक्रिय आश्रम आपके क्षेत्र में आया, विशुआ भक्त ने सेवा का अवसर दिया, गुरु संतों का समाज का सहयोग, गुरु संतों का आशीर्वाद, जो कुछ प्राप्त हुआ मिला आप सबके सामने में सब कुछ रोकड़ बही सामने रख दिया गया। मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और मनुष्य शरीर जो मिला है उसका सारा लाभ मुझे प्राप्त हो चुका है और आगे कुछ कमी महसूस नहीं होता है। बस जिंदगी की न टूटे कड़ी, ये जिंदगी के टूटे कड़ी न टूटने पावे और गुरु संतों की सहारा न छूटने पावे। बस गुरु संतों का सहारा सदैव बना रहे जब तक जीवन है तब तक, और बाकी कोई चीज की कमी नहीं है। परम पूज्य साहेब से निवेदन है आप अपने गंभीर वाणी से हम सबको अप्लावित करें। आपके आशीर्वाद के बाद यहाँ आगंतुकों के लिए भोजन तैयार है, भोजन सबके लिए है, भोजन करके ही जाएंगे। बोलिए सतगुरुदेव। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, बोलो सतगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की,
भक्त समाज के आदरणीय संत समाज धर्म प्रेमी बंधुओं तथा भक्तमती माता बहनों, अभी आप लोग संतों के द्वारा बहुत ही सुंदर बातें सुन रहे थे। वास्तव में संतों की जो वाणी है वो अमृत है, अमृत 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 है। और उस वाणी को जो सुनेंगे और सुन कर के अपने मन में धारण करेंगे तो क्या पूछने, सुनने में भी अच्छा लगता है। जब उसको अपने जीवन में धारण करते हैं तो कितना अच्छा लगेगा। जीवन में सुनना अलग बात है, लेकिन उसको धारण करना चाहिए, क्योंकि धारण नहीं करेंगे, जीवन में उतारेंगे नहीं तो काम नहीं बनेगा। काम तभी बनेगा जब संतों की वाणी को सुने और सुनकर के उसको अपने जीवन में धारण करें। केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, सुनना है ठीक है, लेकिन सुनने की अपेक्षा अपने मन में अपने जीवन में उसको धारण करना चाहिए, उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि जीवन में उतारेंगे नहीं, धारण नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। आप लोग सदगुरु श्री विशाल देव को जानते होंगे। बाराबंकी में विशाल साहब एक महान संत नहीं सदगुरु हो गए हैं। और वो स्कूल नहीं देखे थे, स्कूल में गए भी नहीं थे, और उन्होंने चार ग्रंथ लिखे हैं, भवयान, मुक्ति द्वार, सतनिष्ठा और नौ नियम। वो बोलते गए, उनके शिष्य लोग लिखते गए। वो कलम जो कबीर साहब ने कहा है, मस कागज हो नहीं, कलम कहो नहीं हाथ, और चारों युग का महत्तम कबीर मुखई जनाई बात। तो कबीर साहब ने बीजक में ये साखी कही है, और ऐसा कि मस कागज छुओ नहीं, मैं कागज से आई कछु छूता नहीं हूँ, कलम कागज का जो पकड़ता नहीं हूँ, जो चारों युगों में सत का महत्तम है उसको मैंने मुख से ही जना दिया। कहने का मतलब है कि स्कूल में नहीं गए थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इतना महान ज्ञानी पुरुष हुआ है। ज्ञानी कौन होता है? बाहर के विषयों को जान करके, बाहर की किताबों को पढ़ करके विद्वान बनना सरल है, लेकिन ज्ञानी बनना कठिन है। ज्ञानी होता है जो अपने मन और इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है। आप 50 भाषाओं के विद्वान बन जाएं और 50 भाषाओं के विद्वान बन जाएं, गृह मंत्री बन जाएं, नेता बन जाएं, और भी तमाम बड़े बड़े पद हैं उनको धारण कर लें, मंडलेश्वर बन जाएं, महंत बन जाएं, लेकिन आपका मन, आपकी इंद्रियां अगर आप में आपके बस में नहीं है तो आपका सब मिट्टी है, कुछ नहीं है। मन को कितने हम लोग घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, बिना दुर्व्यसन के, बिना तम्बाकू के, गांजा के, भांग के और बीड़ी के कोई नहीं मिलता है। एक मनुष्य मिला, वो कहता था कि महाराज मैं बीड़ी को छोड़ सकता, मैं स्त्री को छोड़ सकता हूँ, लेकिन बीड़ी को नहीं छोड़ सकता हूँ। बीड़ी मुझे इतना प्रिय हो गई है, बीड़ी को नहीं छोड़ सकता हूँ, स्त्री को तो मैं छोड़ सकता हूँ लेकिन बीड़ी को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि लोगों को दुर्व्यसन में, दुर्गुणों में इतना प्रिय हो गया है, इतना अच्छा लगता है। ये हंस है, हंस हंस कबीर साहब, आप लोग कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है, बीजक को आप लोग पढ़े होंगे, पढ़ते होंगे कोई कोई। बीजक को जो कबीर पंथी हैं और बगैर कबीर पंथी भी हैं, सबको बीजक पढ़ना चाहिए। बीजक में वेदों से परे ज्ञान है, वेद आप पढ़ लेंगे, वेदों में कर्मकांड की बातें हैं और देवी देवताओं की बातें हैं
और यज्ञ की और हवन की बातें हैं, बातें उसमें ज्ञान की भी हैं लेकिन कम हैं। लेकिन बीजक आप पढ़ेंगे तो बीजक को पढ़ने से आपको ज्ञान होगा। बीजक सबको पढ़ना चाहिए और एक बार के पढ़ने से कुछ नहीं होगा। सदगुरु श्री विशाल देव कहते थे कि एक ग्रंथ को कम से कम 100 बार पढ़ना चाहिए। अब एक ग्रंथ को आप 100 बार पढ़ेंगे तो उसका कंठ हो गया, याद हो गया, बीजक में क्या लिखा है सब कुछ मालूम हो जाएगा। कोई भी पुस्तक पढ़ें वो कंठ में हो जाएगी। तो इसी प्रकार से बीजक को आप पढ़ लेंगे तो ये आपका जीवन उद्देश्य, जीवन का फल मिल गया, जीवन कल्याण हो गया। बिना पढ़े, बिना बीजक को जाने, बिना बीजक को पढ़े कल्याण होना मुश्किल है। कल्याण करने के लिए बीजक को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और संतों की संगत तो है ये। यहाँ पर साहब जो बना दिए हैं भगत बिसौआ राम, अपना कितने भगत रहे और उसने बना दिया है। धन संपत्ति किसी के साथ नहीं जाती है। अब यहाँ उन्होंने बनाया है, आश्रम बनाया है, कितने संत बाहर से आते हैं, यहाँ संत रहते हैं, उनकी सेवा होती है, कार्यक्रम होता है और आप लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। कितना लाभ है, कितना परम लाभ है। लोग घर गृहस्थी में रहते हैं और एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहते हैं। एक राजा था और राजा था वो बड़ा कंजूस था और उसके पास 40 खजाने थे, एक दो नहीं 40 खजाने थे और एक एक खजाने में 40-40 कोठरियाँ थीं। कोठरियाँ नाम कमरा। 40 खजाने हैं और एक एक खजाने में 40-40 कमरे हैं और उनकी चाबियाँ इतनी हैं कि एक मुट्ठी लाद करके चल सकता था। उस जमाने में ट्रैक्टर तो अभी हुआ है, मेरे सामने आया है। उस जमाने में ट्रैक्टर नहीं थे तो वो ये उस खजाने की इतनी चाबियाँ थीं कि एक ऊँटी लाद करके चल सकता है। और उस देश में अकाल पड़ा, इतना भयंकर अकाल पड़ा कि जनता त्राह त्राह करने लगी। तो जनता है अपने बाल बच्चों को लेकर के राजा के पास पहुँची। राजा से कही, हे राजन, हमारे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, 3 दिन से इनको अन्न नहीं मिला है, 3 दिन से खाने के लिए कुछ नहीं मिला है। आप राजा हैं, महाराजा हैं, आपके पास संपत्ति है और अनाज भी है, हमारे बच्चों को कुछ अनाज दें, हमारे बच्चों को कुछ द्रव्य दें। तो राजा क्या कहता है, ये द्रव्य और अनाज तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं जोड़ करके रखा है, हम इनको कुछ नहीं देंगे। और उसने को सिपाहियों को बुला करके भगा दिया। तो दो दिन के बाद में वहाँ मूसा नदी थी और इतना ज़ोर से पानी बरसा कि 24 घंटे लगातार पानी बरसा, तो इतने ज़ोर से बाढ़ आ गई। उस बाढ़ में राजा भी बह गया और खजाना भी बह गया। तो उसका क्या फल मिला, राजा भी चला गया, खजाना भी चला गया। तो कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपने धन को जोड़ जोड़ करके, एक एक पैसा को जोड़ जोड़ करके रखते हैं, वो धर्म में लगाना पाप समझते हैं। धर्म में नहीं लगाएंगे, बाल बच्चों की सेवा में लगाएंगे तो हमारे बाल बच्चे सुखी रहेंगे। ठीक है, बाल बच्चों की सेवा में भी लगाओ, लेकिन हम अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा धर्म में लगाना चाहिए। लेकिन अपना 10वां हिस्सा कौन लगाता है। मैं गुजरात में घूमता हूँ, गुजरात में जाता हूँ। गुजरात के एक भगत हैं, बड़ौदा जिला है गुजरात में, और वहाँ के एक भगत हैं। और वो भगत इतना है कि अपने धन को जोड़ जोड़ कर रखते हैं, 10वां भाग हर साल भंडारा करते हैं, महात्माओं को बुलाते हैं, कपड़ा बांटते हैं, छाता बांटते हैं और भी बांटते हैं, विदाई देते हैं। तो इस प्रकार से 10वां हिस्सा वो महात्माओं की सेवा में लगाते हैं।
तो कहने का मतलब है कि कमाओ, ठीक है, कमाना चाहिए, धन कमाना चाहिए, धन धन जो है वो धन में आसक्त नहीं होना चाहिए। धन में लोगों की कितनी बड़ी आसक्ति है, बहुत बड़ी आसक्ति है, धन को जोड़ जोड़ कर रखते हैं कमाने, तो धन कमाना चाहिए, कमा करके उसको दसवां कुछ दूसरे की सेवा में लगाना चाहिए। दूसरे की सेवा में नहीं लगाएंगे तो धन का सदुपयोग नहीं होगा। हर एक वस्तु का सदुपयोग करना चाहिए। धन की तीन गति होती हैं, दान, भोग और नाश। प्रथम दान है और दूसरा भोग। भोग कहते हैं अपने शरीर के निर्वाह में लगाना, केवल अपने शरीर के निर्वाह में लगाना और कहीं पैसा न लगाना, वो भोग। और तीसरा दान भी नहीं करेंगे और अपने शरीर के निर्वाह में भी लगाएंगे, परिवार के परिवार के मतलब उसमें भी नहीं लगाएंगे, तो अंत में उसका नाश हो जाता है, नाश हो जाता है। इसलिए धन कमाना चाहिए, कमा करके अपने शरीर का निर्वाह करो, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करो, अपने पर अपने समाज में भी लगाओ, लेकिन कुछ परमार्थ में लगाना चाहिए। देखो बसुआ राम इतनी जमीन और इतना आश्रम बनवा दिए, कितना बड़ा काम किए हैं। तो इस प्रकार से दान धर्म करना चाहिए। जो दान धर्म करता है, उचित सेवा करता है। अकबर बादशाह का दरबार लगा रहता था। दरबार में एक दिन अकबर बादशाह ने दरबारियों से पूछा, एक रुपया दिया और कहा कि इसमें 300 सौदा ले आओ, चार आना का अब, चार आना का तब, और चार आना का अब और न तब। उस समय में आना दो आना चलता था, इस समय तो भाई ये खत्म हो गया है, रुपया रह गया है। उस समय में आना दो आना, चार आना, छः आना चलता था। तो एक रुपया दिया, एक रुपया में 300 सौदा ले आओ, चार आना का अब, चार आना का तब, और चार आना का अब और न तब। तो वो सब दरबारी लोग गए, चार आना का अब, चार आना का तब, चार आना का अब तब, ये तो कोई सौदा ही नहीं है। पूरे बाजार में घूमा, ये कोई सौदा ही नहीं मिली। जब सौदा ही नहीं मिली तो राजा को मन ही मन में सोचते हैं कि कैसा राजा है, ऐसे सौदा मंगाया है, ये कहीं मिली नहीं है, ये कहीं सौदा है ही नहीं। तब निराश होकर के लौट आए। दूसरे दिन राजा को रुपये दिए कि आपने ये सौदा मंगाई है, ये सौदा तो कहीं है ही नहीं। बीरबल वहीं खड़े थे, बीरबल ने कहा कि सरकार हमको अभी दो पैसा, अभी हम ले आते हैं। उन्होंने एक रुपया दिया, वो 300 सौदा ले करके ले आए। चार आना का आप, चार आना का वो मतलब पेड़ा बर्फी जो कुछ का मिठाई ले आए थे, उसको आप खा लीजिए, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, शरीर तृप्त हो जाएगा। इसलिए चार आना का अब है, चार आना का तब। उसी बाजार में एक महात्मा रहते थे और वो महात्मा को हमने चार आना विदाई में दिए, वो शरीर के बाद में मिलेगा। और चार आना का अब, चार आना का तब, चार आना का अब और तब। उसी बाजार में एक वेश्या रहती थी, वो वेश्या को हमने दे दिए हैं, वो अब न मिलने वाला न तब मिलने वाला, वो तो बेकार गया। तो कहने का मतलब है जो दान पुण्य कर लेते हैं वही सार्थक होता है। तो जीवन बहुत अनमोल है, जीवन बहुत अनमोल है। सारे संसार की संपत्ति को एक तरफ रखा जाए और जीवन को एक तरफ रखा जाए, लेकिन सारे संसार की संपत्ति जीवन के आगे नहीं तोड़ सकती, क्योंकि संपत्ति है वो क्षणिक है। जब मरेंगे तो एक एक पैसा भी दे, एक पैसा भी नहीं जाएगा, न तो कपड़ा जाएंगे। जीव अकेला आया है, कुछ लेकर के नहीं आता है, अकेला आया है, न कपड़ा न लगता, एकदम नंगा होकर के आया है और नंगा होकर के जाना है। कुछ साथ में जाने वाला है ही नहीं, लेकिन यहाँ आकर के लोग क्या क्या करते हैं, क्या कितना जीवन को अपना बिगाड़ लेते हैं।
जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, ये सुधार करने के लिए मिला है, ये जीवन के कल्याण करने के लिए मिला है, ये साधना करने के लिए मिला है, ये सत्संग करने के लिए मिला है। लेकिन इसमें साधना सत्संग के चूल्हे में रख दिया है, ताक में रख दिया है। कितने लोग जीवन भर हो जाता है वो सत्संग में जाते ही नहीं। वो कहते हैं सत्संग में जाने से क्या मिलेगा, अगर हम खेती करेंगे तो हमको अनाज मिलेगा, सर्विस करेंगे तो हमें को धन मिलेगा, और इन महात्माओं की संगत करने से समय बर्बाद होगा, क्या मिलेगा। संतों की संगत में जाएंगे तो आपको वो धन मिलेगा। संसार में कहीं धन कहीं चले जाओ वो धन मिलने वाला नहीं है, वो अविनाशी धन, अविनाशी आत्मा का धन, अविनाशी का बोध मिलेगा, अविनाशी का ज्ञान मिलेगा। और जब अविनाशी का ज्ञान मिलेगा तो आप कहेंगे ये कहाँ तक अभी तक भूले रहे, आप स्वयं महसूस करेंगे कि कहाँ अभी तक हम भूले रहे, कहाँ विश्व में पड़े रहे, कहाँ संसारिकता में पड़े रहे। ये हमारे जीवन में तो शांति का खजाना है, हर एक मनुष्य के जीवन में शांति का खजाना है। बाहर शांति नहीं है, शांति अंदर में है, लेकिन अब विश्व में पड़े हैं, राग देश में पड़े हैं, घर गृहस्थी के जाल में पड़े हैं, और न मालूम कहाँ कहाँ पड़े हैं। कबीर साहब ने तो कहा है कि बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, एक बेचारा जीव न मालूम कितने प्रकार के बंधनों से बंधा है, कितना बंधन है। लोग तम्बाकू को छोड़ना नहीं चाहते हैं, बीड़ी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। लोग कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिला है तो सब करना चाहिए, तो सब करना चाहिए, तो विष क्यों नहीं खा लेते हो, विष भी तो मिला है, विष भी खाना चाहिए। तो कहने का मतलब है मनुष्य जीवन महान है। महाभारत आप लोग पढ़े होंगे, महाभारत में आया है गुह्यम ब्रह्म तद्धिम ब्रह्मीम नहि मानुषात् मनुष्यतम हि श्रेष्ठम, यानी मनुष्य का जीवन इतना महान है कि बहुत आप ही परमेश्वर हैं, परमेश्वर कोई ऊपर नहीं है, आप भी देवी हैं, आप भी देवता हैं, ये देवियां हैं, ये देवता हैं। आप गीता पढ़े हैं, गीता में 16वें अध्याय में देवियों के और देवताओं के लक्षण बताए गए हैं। जो देवी समता के लक्षणों को धारण कर लेता है वही मनुष्य है, वही देवता कहा जाता है। और जो नारियां हैं देवी समता के लक्षणों को धारण कर लेती हैं वही देवियां हैं। देवी देवता कोई ऊपर आकाश में नहीं है। जो आप लोग सोचते हैं कि ऊपर आकाश में देवी देवता हैं, हनुमान हैं, उनकी पूजा करेंगे, आरती करेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा, कुछ भी होने वाला नहीं है। बंधन तो हमने बनाया है, बंधन के बनाने वाले तो हम हैं, बीड़ी पीने वाले हम हैं, शराब पीने वाले हम हैं, गांजा खाने वाले गांजा पीने वाले हम हैं, चोरी करने वाले हमें, व्यभिचार करने वाले हमें, सारा कुकर्म करने वाले हमें, और सारा कुकर्म करने वाले भी हमें, और सारा जो है कुकर्म को छोड़ करके, सारे बंधनों को छोड़ करके अपना कल्याण करने वाले भी हमें। तो मनुष्य है, मनुष्य महान प्राणी है, कितना उसने ईजाद की है, कितना उसने खोज की है। अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का पद मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में, भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में एक स्वयं का नव अध्याय भी तुम जोड़ सकते हो। अगर मनुष्य अपने जीवन में ठान लेगा तो संसार नहीं, भारत नहीं, विश्व के इतिहास में अपना नाम अमर कर सकता है। आप जैसा चाहे वैसा बन सकते हैं। मनुष्य शरीर ऐसा है कि जैसा आप चाहेंगे वैसा बन सकते हैं। एक मनुष्य था, वो अपना गर्मी का समय था, जा रहा था, जेठ का महीना था, नीचे भी तप रहा था, ऊपर भी तप रहा था। तो वो सोच रहा, वो आगे जाता है तो एक कल्प वृक्ष मिला। वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गया
और वो कल्पना करता है कि यहाँ पर एक घड़ा बढ़िया जल आ जाता, मीठा जल आ जाता तो कितना सुंदर रहता, हम पानी पी करके और प्यास को बुझा लेते। इतने भी एक घड़ा पानी आ गया, उसने पी लिया और तृप्त हो गया। फिर वो सोचता है कि मैं दूर से चल करके आया हूँ, दूर से चल करके आया हूँ, मैं थक गया हूँ, यहाँ पर एक तालाब फंस जाता तो कितना सुंदर रहता, हम उसमें स्नान भी करते, मेरी थकावट दूर हो जाती और कपड़े भी धोते। इतने में एक तालाब फंस जाता है, पानी से भर जाता है। वो अपना गया, स्नान किया, कपड़ा धोया, कपड़ा धो करके स्नान करके आकर के उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। अब बैठ जाता है तो कल्पना करता है, भोजन स्नान के बाद में भूख लगती है, उसको भूख लगी और वो सोचता है कि एक थाली बढ़िया बढ़िया व्यंजन आ जाता तो कितना सुंदर रहता, हम अपना भोजन करके और अपना भूख भी मिटा लेते। इतने में एक थाली व्यंजन आ गया, भोजन करने लगा, भोजन करके भूख को मिटा लिया। भोजन के बाद में आराम की ज़रूरत पड़ती है, आराम की ज़रूरत पड़ती है, आराम करने के लिए अब वो सोचता है कि यहाँ पर एक पलंग आ जाता, एक गद्दा आ जाता, तकिया आ जाता, चादरा आ जाता तो कितना सुंदर रहता कि हम उसमें आराम भी कर लेते। इतने में वो गद्दा आ गया, तकिया आ गया, पलंग आ गया, आराम करने लगा। अब वो सोचता है कि मैं दूर से चल कर के आया हूँ, थक गया हूँ, मेरे पैर दबाने के लिए कोई नौकर आ जाता तो अच्छा होता। तो वहाँ पर नौकर आ गया, उसके पैर दबाने लगा। अब वो सोचता है कि यहाँ पर कोई बड़े पुरुष ना आ जाए, कोई दरोगा और पुरुष ना आ जाए जो कि हमको मार करके भगा दे। इतने में एक थानेदार आ गए चार सिपाहियों को लेकर के और उसको मार करके भगाए, भगाया। वो सोचता है कि यहाँ पर कोई भगाए के जब आगे जाता है तो वहाँ जंगल था, बहुत घना जंगल था और उसमें शेर रहते थे, कोई शेर ना आ जाए जो हमको खा न ले। इतने में शेर आ गया, उसको खा लिया। तो दृष्टांत ही तो काल्पनिक, दृष्टांत तो सभी काल्पनिक होते हैं। भाव ये है कि वो पेड़ के कल वृक्ष है, वो कोई ऐसा कल वृक्ष नहीं होता है जो कल वृक्ष के नीचे आप कल्पना करें, जैसी कल्पना करें उतना हो जाएगा, ऐसा कल वृक्ष कहीं नहीं है। वो शास्त्रों में दिए हैं, वो झूठा दिए। मनुष्य शरीर कल वृक्ष है, मनुष्य शरीर कल वृक्ष है, इसमें आप जैसी कल्पना करेंगे वैसे हो जाएंगे। आप शिक्षक की कल्पना करेंगे शिक्षक बन जाएंगे, डॉक्टर की कल्पना करेंगे डॉक्टर बन जाएंगे, वकील की कल्पना करेंगे वकील बन जाएंगे, नेता की कल्पना करेंगे नेता बन जाएंगे, और संत महात्मा की कल्पना करेंगे संत महात्मा भी बन जाएंगे, और इसमें चोर और बदमाशों की कल्पना करेंगे चोर बदमाश भी बन जाएंगे। यह आपके ऊपर निर्भर है। हमें आज मनुष्य शरीर मिला है, हम जैसा बनना चाहें वैसा हम बन सकते हैं। न कोई ऐसा भगवान है जो हमको स्वर्ग में ले जाए और अच्छे पद पर ले जाए, न कोई ऐसा शैतान है जो हमको नीचे गिरा दे, न कोई ऐसा शैतान नहीं है जो हमको नीचे गिराने वाला, और न कोई भगवान है हमको ऊपर उठाने वाला। ये कल्पना है, भगवान शैतान के लोग चक्कर में पड़े हैं। हमारी जो मन है, हमारी इंद्रियां हैं, यही शैतान है, क्योंकि हम जो हैं वो इंद्रियों के चक्कर में पड़े हैं। इंद्रियां जड़ हैं, कितने भगत हैं वो इंद्रियों को भी नहीं जानते हैं, मन को भी नहीं जानते हैं। कबीर पंथ में आ गए हैं लेकिन उनको कोई बोध ही नहीं है। अरे भाई, बोध प्राप्त करना चाहिए कबीर पंथ में आकर के, और बीजक को पढ़ना चाहिए। बीजक को आप पढ़ेंगे तो सारा बोध हो जाएगा, आपको मालूम हो जाएगा पांच तत्व हैं, पांच तत्वों की पांच इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच पच्चीस प्रकृतियां हैं, पांच विषय हैं। यही तो बंधन है, इसी बंधन में ये हमसे अलग है, ये अलग है। हम चेतन है, हम शुद्ध बुद्ध है, अविनाशी है, आत्मा है, आत्मा निर्विकार है, आत्मा में कोई विकार नहीं है। आप बिल्कुल निर्विकार है, आपके अंदर में कोई विकार नहीं है, लेकिन आप मन के चक्कर में पड़े हैं, आप इंद्रियों के चक्कर में पड़े हैं।
मन के चक्कर में पड़ करके, इंद्रियों के चक्कर में पड़ करके सारी दुर्दशा हो रही है, सारी दुर्दशा हो रही है, सारे कर्म हो रहे हैं, लेकिन उसको कर्म को नहीं छोड़ना चाहता है। कर्म हमारा अच्छा है तो किस्मत हमारी दासी है, और धर्म हमारा अच्छा है तो घर ही में मथुरा काशी है, घर ही में मथुरा काशी है। और कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीवन बना अविनाशी है, और कर्म धर्म दोनों बिगाड़ लिए तो गले में यम की फांसी है, कर्म धर्म दोनों बिगाड़ लिए तो गले में यम की फांसी है। तो हम जैसा चाहे वैसा बन सकते हैं। कबीर साहब ने कहा है, हंसा तू तो सबल था, सबल नाम सरसमान था, तुम्हारे ऊपर कोई शक्ति नहीं, कोई ब्रह्म नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई मालिक नहीं जो हमको गड्ढे में डाल सके, और कोई ऐसा शैतान नहीं है जो गड्ढे में डाल दे, तो कोई ऐसा नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, सर्वशक्तिमान था, तुम्हारे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, लेकिन हल्की अपनी चाल, इसने अपनी चाल को, चाल का यह आचरण को हल्का बना लिया। कितना हल्का हो गया है, एक बीड़ी को भी त्याग कर पाता है, वो बीड़ी पीता है। पढ़े लिखे लोग सिगरेट पीते हैं, वो पढ़े लिखे लोग सोचते हैं कि सिगरेट पिएंगे तो सिगरेट पीते हैं। पढ़े लिखे, पढ़ने लिखने का मतलब है दुर्गुणों को धारण करना। पढ़े लिखे लोग सिगरेट पीते हैं, और लोग जो बीड़ी पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, दुर्व्यसनों का। कबीर पंथ में आकर के कोई भी दुर्व्यसन नहीं होना चाहिए। इतने लोग आते बंदगी करते हैं, उनके हाथ रंगे रहते हैं, क्योंकि तम्बाकू खाते हैं, हाथ जो है वो सफेद सफेद दिखाई देता है। कबीर पंथी होकर गए तम्बाकू खाना, कबीर पंथी होकर गए बीड़ी पीना, कबीर पंथी होकर गए और दुर्गुणों में पड़ना, ये बहुत गलत है। कबीर साहब ने कहा कि जो तू चाहे मुझको छाण, सकल की आस, सबकी आशाओं को छोड़ दे, कोई भी आशा नहीं। जो तू चाहे मुझको छाण, सकल की आस, मुझे ऐसा हो रहे जैसे हमें तैसे हो रहा है, सब सब तेरे पास। जो तू चाहे मुझको, और एक साखी है याद नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य आज हमको मानव जीवन मिला है, समय साहब पता ही नहीं है, हो गया। हाँ, तो आज हमको जीवन मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है, ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। जब आपके अच्छे कर्म थे, पूर्वजन्म के कर्म थे, तब मनुष्य शरीर मिला है, ऐसे मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। अभी तीन खाड़ियों में जाते, पशु पक्षी में जाते तो देखो कितनी परवस्था है, वहाँ कल्याण नहीं कर सकते हैं, मनुष्य शरीर में ही कल्याण होता है। इसलिए आज यहाँ पर आए हैं, मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर में संतों की संगत करो, सेवा करो, और दुर्व्यसनों का त्याग करो, दुर्गुणों का त्याग करो, और दुर्गुणों का त्याग करके और बोध, जो बोध है, बोध नाम ज्ञान, ज्ञान ये है कि शरीर है असत्य है, शरीर छूटने वाला है, शरीर के अंदर में जो मैं तू कहने वाला है, बोलने वाला है, वो सत्य है। जब जब लग बोला तब लग ढोला तोलो धन व्यवहार, बीजक में आया है। जब लग बोला तब लग ढोला तोलो धन व्यवहार, और ढोला बूढ़ा बोला गया कोई न जाके द्वार। जब लग बोला तब लग ढोला, जब लग बोला है बोलने वाला, चेतन देव आत्म देव निवास करते हैं, तब तक सभी लोग प्रेम करते हैं। और ढोला फूटा बोला निकल गया, ढोला फूट गया, कोई न जागे द्वार, कोई उसके मुख को द्वार ना मुख को नहीं जागता है। सब कहते भैया मिट्टी पड़ी है, जल्दी करो जल्दी करो, और जो कोई आवे बेग चलावे पले रह न पाए। जो कोई आता है वो कहता है जल्दी करो, एक पल भी नहीं रहने देता है। तो समय है, बहुत मूल्यवान है, और आज मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर में सेवा करके, संतों की सेवा करके, सत्संग करके, और ज्ञान वैराग्य को धारण करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को
आज अगस्त महीना की पहला तारीख मासिक सत्संग का संपन्न हुआ। अभी आरती होगी, उसके बाद भोजन और ये कार्यक्रम स्वामी जी के द्वारा अगले रविवार तक चलेगा। हो सकता है और भी, अभी दो दिन के बाद में, कल और परसों के बाद, चार तारीख से 7 तारीख तक दो संत और आ रहे हैं। साहेब जी का ही शिष्य है और यहाँ आते रहते हैं। उसका नाम है हरि और पवन। भजन संगीत में और प्रवचन दोनों उनके भी सुनने को मिलेगा। तो रोज के 3 बजे से सत्संग और प्रवचन, साहब जी के विचार भी और उन लोगों के प्रवचन सुनने को मिलेगा। आप सब अधिक से अधिक संख्या में आकर के खेती के काम भी आप सब पूरा, यहाँ तो 1 बजे तक पूरा हो जाता है, 2 बजे के बाद 3 बजे यहाँ आकर के उपस्थिति दें, सत्संग भजन से लाभ उठाएं। बोलिए सतगुरु देव की जय। गुरुदेव आज का अतिथि सेवा में गर्सियुनी से श्री जीवन भाई के द्वारा सहयोग प्राप्त है और सकरी के भी जीवन के द्वारा सहयोग प्राप्त हुआ है और आप सबके भी द्वारा भरपूर सहयोग समाज को मिल रहा है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरुदेव सद्गुरु मुक्तिदाता तेहि धूप दीप लय पूजिए बाल चंदन पुष्प चरणो हार गल महदीजिए कर जोरी करूं मैं स्तुति गुरु तरण तरण दयाल हो क्षमा करो अपराध साहेब दीन जीवन बाल हो आप पारख रूप साहेब जानते सब माह की मैं अधम कर नाही हों कछु लायकी गुरु करत हों मैं बिनती प्रभु सुनिए जो दीनयनाथ के अदम उदारण भव भयहार जीवन कर सनाथ के जगत स्वामी अजीत साहेब परख गुण को गए सके दया क्षमा दि हो जिन में आप को सो ले सके मोर में सदगुण नाही साहे जानते सब माह की मैं अदम करमी जीव सदगुर नाही हों कछु लायकी गुरु कर
प्रभु सुनिए जो दीनयनाथ की अधम उद्धारण भव भयार जीवन करत सनाथ की जगत। इसमें से निकाल लेने निकाला गुरुदेवशत गुरु मुक्ति दाता कई द्रौपदी पले पूजिए भाल चंदन पुष्प चरणों हार गल मादीजिए कर जोर कर स्तुति गुरु तारण दयाल हो क्षमा करो अपराध साहिब जी न जीवन बाल हो आप पार करो पसाहिब जानते सब मैं अधम करणी जीव सदगुरु नाही हो कछु लाए की जगत स्वामी आजी तसाहिब परख गुण को कई सके दया क्षमा ई हो ये जिन आप को सो नहीं सके मोमे सद गुण नानी साहेब मैं कैसे आप को बार बार मैं करता विनती शरण लिए दास को शरण शरण में शरण हो कहत बने कछु नाय जानत सबके सर्वोपरि गुरु सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारी चरणों में फल मिलता है उस तीर्थ का कल्याण तुम्हारी चरणों मैं जन्म जन्म भर माया हूँ तब शरण तुम्हारे आया हूँ मैं जन्म जन्म भर माया हूँ तब शरण तुम्हारे आया हूँ इस भोले बैठ के जीवों का कल्याण तुम्हारी चरणों में सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारी चरणों में फल मिलता है उस तीर्थ का कल्याण तुम्हारी चरणों एक बार जो दर्शन पाता है बस आप की ही हो
गुप्त तुम्हारी प्रीति है धन्य तुम्हारी चरणों में सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारी चरणों में सत लेता है उस तीर्थ का तुम्हारी चरण। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। आरती हो गुरु आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती दीन दया साहेब आरती हो ज्ञान आधार विवेक की बाती ज्ञान आधार विवेक की बाती साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दी बनिवाज साहेब आरती हो आरती करो सत गुरु जहाँ सब संत समान साहेब आरती हो आरती गरीब निवास साहेब आरती हो रस परस गुरु चरण शरण तरस परस गुरु चरण शरण छोट गय हो मजाल साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो साहेब आरती हो साहेब कबीर संतन के कृपा से साहेब कबीर संतन के कृपा से भया हूँ पर खपर काश साहेब आरती हो साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब गुरुरस्तम तस्तम ना गुरुरस्तम तपा गुरुर्ज्ञान नास्ति नास्ति तस्मै गुरु ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्मलम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु गुरुर्देवं गुरुर्धर्मं गुरुनिष्ठा परं तपः गुरुर्नास्ति नास्ति तस्मै सत्यम्। पार की शीश भेट धरु हाथ वचन उचारां बंदगी सत्य प्रेम की साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। बोलिए सतगुरु देव की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी।